मित्रों को श्री राधे कृष्ण, हरे हरे। आप सभी कुशल मंगल से होंगे मित्रों, हम भी कुशल मंगल से हैं। तो मित्रों, आज हम जो आपको यह कथा सुनाने जा रहे हैं वह है आदर्श जीवन की संजीवनी है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा जो यह रामचरित्र मानस भारतीय संस्कृति का जो है यह प्रतिनिधि ग्रंथ है, तो यह कथा हम सुनाएंगे मित्रों। यह थोड़ी सी लंबी हो सकती है यह वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो मित्रों, आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम जो भी आगे को जो भी वीडियो हम बनाएंगे, जो भी कथा हम सुनाएंगे, तो वह आपको जो है उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिलती रहेगी। तो यह जो कल्याणी का जो पुस्तक है, यह जो देवताओं की जो गाथा, जो इनके जो गायक जो थे, जो जो इनकी लीलाओं का जो गायक है वो हमारे देव ऋषि नारद, तो यह पुस्तक भी जो है, यह ग्रंथ आप जो है गीता गोरखपुर पुस्तक भंडार से आप जो है इन पुस्तकों को, धार्मिक पुस्तकों को आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो उनको जो है वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं मित्रों। तो हम यही आशा करते हैं कि सभी के घरों में सुख शांति बनी रहे, प्रभु की कृपा बनी रहे, और इसी के साथ जो है हम इस कथा को आज जो है आपको सुनाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा जो ये रचयिता है जो हमारे रामचरितमानस के, तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है हमारी इन वीडियो को और इन कथाओं को वीडियो के माध्यम से ध्यान लगा करके सुनेंगे मित्रों। अगर कहीं पर अगर हमसे कोई त्रुटि हो जाती है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। तो आशा करते हैं कि आपको कथाएं अच्छी लगेंगी, और अगर शुरू में सुनने में अगर आपको जो है ना सुर है ना ताल है, तो मित्रों आप अपना सपोर्ट बनाए रखें जैसी भी है, तो फिर आप इसमें रम जाओगे। तो हम इसी आशा के साथ जो है हम कथा शुरू करते हैं। तो जो है आप अपने कमेंट बॉक्स में सुझाव भी देंगे मित्रों, आप अपना प्रेम स्नेह बनाए रखें। जो भी हमारे जितने भी हमारे सब्सक्राइबर मित्र हैं, उन सबको तहे दिल से धन्यवाद, और जो जुड़ेंगे और जो नहीं भी जुड़े हैं तो उनको भी जो है श्री राधे कृष्णा प्रभु की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। तो मित्रों आज हम अपनी कथा को शुरू करते हैं। आदर्श जीवन की संजीवनी है श्री रामचरित्र मानस की जो हम कथा जो है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा जो है यह वही रचयिता है। इन उन्होंने जो है दोहाओं के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, उन्होंने लीलाओं का जो उनके मुखारविंद से जब वर्णन किया है, वही हम आपके सम्मुख जो है इस वीडियो के माध्यम से जो है सुनाने जा रहे हैं मित्रों। आप जो है सुनते रहें, आनंद लेते रहें, चिंतन मनन भी करते रहें मित्रों, श्री राधे कृष्णा। तो शुरू करते हैं तो कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा जो यह विरचित श्री रामचरित्र मानस भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधि ग्रंथ है मित्रों, यह आदर्श जीवन की संजीवनी है। श्री रामचरित्र मानस में सामाजिक कथा पारिवारिक पारस्परिक संबंधों की अत्यंत ही आदर्शपूर्ण व्याख्या की गई है, जो कि अनुकरणीय एवं प्रेरणादायक है मित्रों। जो सर्वप्रथम मित्र के संबंध के बारे में जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है ना मित्रों, कि जो मित्र को दुखी देखकर दुखी नहीं होता और उसे देखने से बहुत भारी पाप लगता, कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी मित्रों, अपने महान दुख को सामान्य तथा मित्र के सामान्य दुख को भी बड़ा समझना चाहिए, और आपातकाल में मित्र की परीक्षा होती है मित्रों आदि। और उक्त व्याख्या के संबंध में तो कुछ गोस्वामी तुलसीदास जी उदाहरण को निम्न प्रकार से दे रहे हैं, जो वह हम आपको
सुनाते हैं। जे न मित्र दुख होई दुखारी, ती नहीं बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरी समरज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। कुपत निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रकट है अभिगुण ही दुरावा। देत लेत मन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित करई। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कटुलाई। जाकर चिति अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परि रेहिन भलाई। सेवक सट नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सुत समचारी। धीरज धर्म मित्र अर नारी, आपद काल परीखियई चारी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मित्रों भगवान श्री राम अपने पिता की आज्ञा के अनुपालन में जब बन जाना चाहते हैं तो उनकी पत्नी सीता भी उनके साथ चलने का हट करती है। तो यह आपने रामायण में सुना भी होगा, देखा भी होगा मित्रों, हम सब ने देखा है। तो भगवान राम उन्हें वन की भीषण आपदाओं के बारे में जब बताते हैं, परंतु एक अत्यंत आदर्श जो पत्नी के रूप में सीता जी निवेदन करती है कि जिस प्रकार बिना प्राण के शरीर तथा बिना जल के नदी की दिशा होती है, वही दशा पति के बिना पत्नी की भी होती है। मित्रों उन्हें प्रतिक्षण चरण कमल का दर्शन करते रहने से रास्ते में किंचित भी थकान नहीं होगी आदि, और इससे अधिक आदर्शपूर्ण व्याख्या और कहाँ हो सकती है। उदाहरण तया के तौर पर, भोग रोग सम भूषण बारू, जम जात ना सरसी संसारू। जिया बिन देह नदी बिनु बारी, तैसे नाते पुरुष बिनु नारी। जम लगी नात नेहु अरु नाते, प्रिय बिनु लियई तरिनुक्ते ताते। मोह मग चलत न होई, आरी छिनु छिनु चरण सरोज न्यारी। मैं सुख मारी नाथ बन जोगू, तू मई उचिती तब मोकहूँ भोगूँ। तो कहती है कि भगवान राम को भी सीता से कितना प्रेम था, इसका उदाहरण है जब उन्होंने आश्रम में जानकी को नहीं पाया तो वे इतने विकल हो गए कि उनका पता पशु पक्षियों तथा लता पेड़ों से भी पूछने लग गए रामचंद्र जी, और नाना प्रकार से विलाप करने लगे। आश्रय देख जानकी ना, भय विकल जसे प्राकृत दीना। आगुन खानी जानकी सीता, रूप शील मृत नेम पुनीता। लजमने समझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ई विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महाबिरही अति कामी। भाई भाई के संबंध में भी अत्यंत उत्कृष्ट रोमांचक व्याख्या दी गई है। मित्रों गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, लक्ष्मण को जब पता चला कि उनके बड़े भाई बन जा रहे हैं तो वे व्याकुल होकर कांपते हुए तोड़कर आए और प्रेम में अश्रुपूरित नेत्रों से अधीर होकर भगवान राम के पैरों में गिर पड़े। लक्ष्मण कुछ कहते नहीं बना, उनकी स्थिति ऐसी थी कि जैसे किसी मछली को जल से बाहर निकाल दिया हो और वो तड़पने लग जाती है, वही हाल लक्ष्मण जी का है, बता रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। उन्होंने यही विनय की कि वह मन क्रम वचन से उनका सेवक है और उसे भी उनके लिए साथ चलने की आज्ञा दे दी जाए, और इससे संबंधित व्याख्या भी वह इस प्रकार कर रहे हैं। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलक बदन उठी श्राहे।
कंप पुलक तन नयन सनीरा गए चरण अति प्रेम अधीरा कहिन सकल कछु चितवन ठाड़े मीनू दीन जनु जल में काड़े मोरे सब एक तुम स्वामी दीन बंधु उर अंतर जामी गुरु पितु मातु न जानो काहू कहूँ सुभाऊ नाथ पति आहू। कैकेयी द्वारा राजा दशरथ से जो दो वर मांगे गए, प्रथम भरत को राज तिलक, दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। भगवान राम सीता जी तथा लक्ष्मण जो हैं वह प्रस्थान कर गए वन की तरफ। भरत ने ननिहाल से लौटने पर अपनी माता के कृत्य पर घोर पश्चाताप किया। तो मित्रों तथा पूज्य गुरु एवं समाज सहित भाई राम से मिलने कहाँ पहुँच गए वह चित्रकूट, और समस्त प्रकरण के लिए स्वयं को दोषी मानकर भरत ने जो है भाई राम से अयोध्या का राज्य पद ग्रहण करने की जो प्रार्थना की, उन्होंने भगवान राम ने कहा कि माता और गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है। भरत हे तात, तुम वही करो और जो मुझसे भी कराओ, तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो, साधक के लिए आज्ञा पालन रूपी साधना, संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली कीर्तिमयी सतगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। जो इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। भरत ने भगवान राम द्वारा दी गई जो है उनकी चरण जो पादुका थी उनको सादर शीश पर रख कर भरत जी उन्हीं को आधार मानकर उन्होंने जो है अपना भरत जी ने शासन चलाया था मित्रों। और प्रभु करी कृपा पावरी दीन ही सादर भरत शीश धर लीनी, नित्य पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समाती, मांगी मांगी आयसु करत राज काज बहुवाती। दो भाइयों के बीच प्रगाढ़ प्रेम एवं राज्य सत्ता के त्याग का यह अनूठा एवं अनुकरणीय उदाहरण है मित्रों। रावण वध के पश्चात विभीषण द्वारा बार बार भगवान राम से कुछ अवधि के लिए और रुकने के आग्रह पर भगवान राम ने उनसे कहा कि भरत की दशा की याद आते ही उन्हें एक क्षण भी एक युग के समान लग रहा है। यदि वह अवधि बीत ने के पश्चात अयोध्या पहुंचते हैं तो उनका भाई भरत जीवित उनको नहीं मिलेगा। मित्रों यह राम की बात जो है विभीषण से हो रही है। तोर कोष ग्रह मोर सब सत्य वचन सुनवा भ्रात, भरत दशा सुमिरत मोई निमिधि कल्प समझात, बीते अवधि जाऊं जो जियत न पावो वीर, सुमिरत अनुज प्रीत प्रभु पुनि पुनि पुलक शरीर। मेघनाथ के बाण से जब लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं उस दशा में भगवान श्री राम की मनोदशा अत्यंत ही दुरारुदह दुखमय हो जाती है। वे मूर्छा भंग होने तक नाना प्रकार से विलाप करते रहते हैं। एक आदर्श माता के रूप में सुमित्रा अपने पुत्र लक्ष्मण को आदेश देती है कि यदि माता पिता तुल्य राम तथा सीता बन जाते हैं तो अवध में तुम्हारा कोई भी कार्य नहीं है। लक्ष्मण तुम भी उनकी प्राणों के समान सेवा करो। और उसके अतिरिक्त भी अन्य कई प्रसंग इस संबंध में आते हैं मित्रों। तो वो जो है तात तुम्हारी मातु विदेही, पिता राम सब भांति स्नेही, अवध तहाँ जहम राम निवासु तहई दिवसु जह भानु प्रकाशु, जो पैसी राम वन जाही अवध तुम्हार काजू कछु नाही, गुरु पितु मातु बंधु सुर साई से अहिम सकल प्राण की नाही।
आस जियम जानी संग बन जाऊँ, लेहु लाल जग जीवन लाहूँ। श्री दशरथ जी ने जिनको वृद्धावस्था में पुत्र रत्न प्राप्त हुए और भगवान राम पर विशेष स्नेह होते हुए भी पत्नी को दिए वचनों की रक्षा में अपने प्राण तक त्याग दिए, परंतु वचन को वापस तब भी नहीं लिया। ये थे दशरथ जी। राजा जनक जो कि विदेह परम वैराग्यवान तथा यानी कहे जाते थे, जब पुत्री सीता की विदाई की बेला आई तो उनके नेत्रों में प्रेमार्षुओं का जल भराया। सीता को देखकर उनका धैर्य टूट गया, हृदय से लगा लिया, ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई। इस संबंध में व्याख्या जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रकार की है। बंधु समेत जनकु तब आए, प्रेम उमगि लोचन जल छाए। शिया बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम बैरागी। ले नहीं राय और लाई जान की, मिटी महामर जादेव ज्ञान की। समझावत सब सचिव सयाने, की न विचारु न अवसर जाने। बार ही बार सुतावर लाई, सजी सुंदर पाल की सज मंगाई। एक आदर्श के रूप में भगवान राम ने पिता के द्वारा 14 वर्ष के लिए वन गमन की आज्ञा को शिरोधार्य करके उसका अक्षरशः पालन किया तथा कहा कि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। धन्य जनमु जगती तल तासु, पीत ही प्रमोद चरित्र सुनी जासु। चारि पदार्थ कर तल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। गुरु के बारे में तो रामचरित्र मानस में स्थान स्थान पर अत्यंत प्रमुखता से उल्लेख किया गया है मित्रों, और गुरु को सर्वोपरि माना है। जो गुरु की चरण रज सिर पर रखते हैं अर्थात उसका अत्यंत सम्मान करते हैं मित्रों, समस्त वैभव उनके वश में हो जाते हैं मित्रों। यही जो है आदर्श जीवन की संजीवनी है श्री रामचरितमानस, जो गोस्वामी तुलसीदास जी जो इसके रचयिता हैं हिंदी में, तो उन्हीं के ये दोहे हैं जो उन्होंने जो है कितनी सुंदर व्याख्या की हुई है मित्रों। तो इन्हीं चीज़ों पर चिंतन मनन करना चाहिए और इन्हीं की जो इन्हीं के आदर्शों को अपने जीवन में हम सब ने जो है हर प्राणी ने जो है उतारना चाहिए, तभी उनका जो है आदर्श जीवन जो है वो संजीवनी के समान है। तो यह हमारी रामचरित्र मानस जो है यह जो जे गुरु चरण रेणु सिर धरई, ते जनु सकल विभव बस करही। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरचि सुभाष सरस अनुरागा। बंदौ गुरु पद कंच कृपा सिंधु, नर रूप हरि महामोह तम कुंज जसु, वचन रवि कर निकर। यदि गुरु भय के कारण प्रिय बोलने लगे तो धर्म का शीघ्र ही नाश हो जाता है। वो कहते हैं कि अगर जो गुरु भय के कारण प्रिय बोलने लगे, अगर जब उनके अंदर जब भय बैठे तो वो अगर प्रिय से बोले तो समझ लो कि धर्म की वहाँ पर हानि होने वाली है, धर्म का नाश होने वाला है। सचिव वैद गुरु तीनी जो प्रिय बोले, भय आश राज धर्म तन तीनी करे होड़ बे गई नाश। अक्षेपक कथाओं में भाभी तथा देवर के पवित्र संबंध की कितनी उत्कृष्ट व्याख्या है मित्रों। इसके उदाहरण के लिए भाभी के कान के कुंडलों को जब लक्ष्मण से पहचानने के लिए कहा गया तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा,
यह भी सुने, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। श्री रामचरितमानस में यह व्याख्या की गई है कि सेवक के घर पर जब स्वामी का आगमन हो तो उसके लिए मंगलकारक तथा अमंगल का दमन करने वाला होता है। मित्रों, इस ग्रंथ में स्थान स्थान पर बड़े ही मार्मिक तथा हृदय स्पर्शी प्रसंगों में यह दर्शाया गया है कि जो है, चाहे व्यक्ति कितना भी साधारण या दीन हो, भगवान श्री राम ने उसके प्रति अपार प्रेम प्रकट किया है। उन्होंने केवल भक्ति के नाते को ही स्वीकार किया है। मित्रों, कभी किसी के साथ किसी भी आधार पर उन्होंने पक्षपात श्री राम जी ने नहीं किया। तो इस संबंध में सर्वप्रथम आपने देखा होगा सबरी का, तो आपने जो है सर्वप्रथम जो है सबरी का प्रसंग सुनाई होगा। और वह सबरी का प्रसंग आता है, भगवान श्री राम तथा श्री लक्ष्मण जब सबरी के आश्रम पर जाते हैं तो मित्रों सबरी उनके चरणों को जल से पखारती है, यानी धोती है, और फिर पोछती है, और तथा फिर उनको आसन पर बैठाती है। फिर भगवान श्री राम उनके द्वारा जो दिए गए कंदमूल फल की बार बार प्रशंसा करके जो प्रेम सहित जब खाते हैं, इसी प्रसंग का उल्लेख है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परिचरण लपटाई, सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे, कंद मूल फल सुरस यति दिए, राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। आगे का प्रसंग और भी मार्मिक है। मित्रों, सबरी कहती है, हे प्रभु के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम ते अक्षम अधम मति नारी, तीन हम अहम मैं मदिमंत अधारारी। भगवान श्री राम कहते हैं सबरी को, कह रघुपति सुन भमिनी बाता, मानहु एक भगति करे नाता, भगतिहीन नर सो कैसा, बिनु जल बारित देखियो जैसा। वो कहते हैं भरत जी भगवान राम से मिलने जब चित्रकूट जाते हैं मित्रों, तो रास्ते में उनकी भेंट जो है एक निषाद से हो जाती है। उसे राम सखा जानकर भरत तुरंत रथ को त्याग देते हैं और अत्यंत अनुराग तथा उमंग के सहित उससे मिलने चल पड़ते हैं, प्रेम से उसको गले लगाते हैं, जैसे लक्ष्मण से ही भेंट कर रहे हों। प्रसंग जो है उनका इस प्रकार है मित्रों, जो करत दंडवत देखिते ही, भरत लीन उरलाय, मनहु लखन संग भेंट भई, प्रेम न हृदय समाई, देख भरत कर शील उसने हूँ, भा निषाद ते समय विदे हूँ। केवट ने पहले परीक्षण के तौर पर अपने लकड़ी के कोठते में भगवान श्री राम के चरण धोए, फिर नाव पर चढ़ाया कि कहीं उसकी नाव ही स्त्री न बन जाए। भगवान राम उसकी परीक्षा के लिए तैयार हो गए। एक बार जिन भगवान राम के नाम का स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार हो जाते हैं मित्रों, उतर जाते हैं। उन्हीं कृपालु श्री राम ने केवट का निहोरा किया। केवट का यह प्रसंग तो भक्ति एवं प्रेम की पराकाष्ठा है। भारतीय समाज रामचरित्र मानस में वर्णित उपयुक्त पारस्परिक संबंधों को अपना आधार मानता चला आ रहा है। वास्तव में यह ग्रंथ अतीत में समाज का पथ प्रदर्शक था, वर्तमान में अत्यंत ही प्रेरणादायक एवं अनुकरणीय है मित्रों, और भविष्य में भी यह अनुकरणीय ही रहेगा। तो मित्रों,
जो यह, और यही जो है जीवन, जो आधार आदर्श जो है जीवन की, जो यह संजीवनी है श्री रामचरित्र मानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा जो है विरचित यह श्री रामचरित्र मानस, जो हमारी भारत की संस्कृति का जो प्रतिनिधि ग्रंथ है और यह आदर्श जीवन की संजीवनी है मित्रों। और यह रामचरित्र मानस सामाजिक तथा पारिवारिक पारस्परिक संबंधों की अत्यंत ही आदर्शपूर्ण व्याख्या की गई है। इसमें जो हमने आपको इस कथा के माध्यम से जो हमने आपको यह गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित रामचरित्र मानस की कथा जो हमने राम सुनाई, तो मित्रों आपको अच्छी लगेगी। जो भी हमने वीडियो पीछे बनाई है तो उनके लिंक जो हैं हम वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में देते रहेंगे, और अच्छी अच्छी कथाओं के साथ हम आपके सम्मुख जो है आते रहेंगे। बस आप लोगों का सपोर्ट, प्रेम, प्यार चाहिए। आप जो है सब्सक्राइब भी करें मित्रों, आगे को शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकते हैं। अगर कहीं पर भी अगर कहीं त्रुटियां हो जाती हैं तो उसके लिए हम क्षमा भी चाहते हैं। तो अगली वीडियो में जो है हम आपको, अगली कथा में हम आपको जो है सुनाएंगे, तो वह कथा होगी हमारी, अगली कथा जो होगी जगदम्बा सती जी की मोह लीला की कथा हम आपको अगली वीडियो में जो है सुनाएंगे। तो मित्रों तब तक जो है श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे, सर्व मंगलम।